भागलपुर नाथनगर थाना पुलिस ने मोबाइल चोरी और खरीद फरोख्त के आरोप में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पहला आरोपी आजाद कुमार गोसाईदासपुर का रहने वाला है। उसे नाथनगर थाना क्षेत्र के मकनपुर के पास इसी वर्ष जनवरी में हुई मोबाइल छिनतई के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जबकि दूसरा आरोपी सोनू कुमार सबौर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बता दें कि सोनू पर सबौर थाना में पूर्व से लूट के कई मामले दर्ज है। दरअसल गुरुवार को पुलिस ने आजाद को कोर्ट में पेशी के लिए लाया था। इसी दौरान सोनू भी उससे मिलने कोर्ट परिसर पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस ने सोनू को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सोनू पुलिस को चकमा देकर भागने लगा। हालांकि पुलिस ने सोनू का पीछा किया और उसे खदेड़कर कचहरी चौक के समीप से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आजाद को जेल भेज दिया है और सोनू से पूछताछ कर रही है। क्यों पकड़ाई आपको? हम जो कोर्ट आए ना, इसके बारे में आए थे। ये मेरे घर पर पुलिस लेके आए थे, सर सबको लेके आए थे। नाथनगर से आए थे और सबौर से आए थे, इसलिए हम इसके पास आए कि क्या बात है जो कि तुम मेरे घर पे पुलिस लेके आए। तो वही जो है कि यहाँ पर आए तब सर सब हम मेरे पीछे सब दौड़ने लगे नाथनगर के सर सब। नाथनगर थाने में सर भाग रहे थे? हाँ, हम भाग रहे थे। कहाँ से पकड़ा गया आपको? हमको वहाँ पर से कचहरी चौक, कचहरी चौक से पकड़ा गया। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। किस मामले में आप कोर्ट आए थे आज? मोबाइल की चोरी। हमको सर यही मोबाइल हमको दिया था चोरी करके पहले। हम चोरी करके दिए थे, चला रहे थे तो उसी में हमको पकड़ लिया पुलिस ने। हम चोरी करके नहीं दिए थे, आया चलाता था। हमको बताया कि क्या हुआ है तो हम बोले सर ऐसे ऐसे सोनू यादव ने हमको दिया है सर फोन चोरी करके। हम दिए हैं तुमको इसके नाम पे सर। और सर एक रतन था उसके पास मोबाइल है। तो आज आपको कोर्ट पुलिस लेके आई? हाँ, हमको जेल लेके जा रहा था। क्या नाम है? ये पकड़ा गया तो हमको छोड़ा जाएगा? हम तो चोरी किए नहीं है। आजाद कुमार। भागलपुर में राष्ट्रीय जनता दल का 28वां स्थापना दिवस धूमधाम से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चित्र पर केक खिलाकर हुई। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर स्थापना दिवस की बधाई दी। मौके पर बिहार श्रम आयोग के पूर्व अध्यक्ष और राजद नेता चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि राजद पार्टी एक सामाजिक पार्टी है और यह पार्टी गरीबों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जन सरोकार की पार्टी है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आजादी दिलाने का काम इसी पार्टी के बैनर तले किया है। मौके पर काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय जनता दल का जी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी को बधाई देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय एवं धर्म निरपेक्षता की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल जब से पार्टी का निर्माण हुआ है तब से समाज के अंतिम वर्गों का इन्होंने हित में रख करके जो है काम करने का काम किया है। विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद किसी व्यक्ति ने दुनिया के ऊपरी सदन में भेजने का काम किया है उस व्यक्ति का नाम। और गरीबों तक जिनको कि सरकार की लाभकारी योजना गरीब को नहीं मिलता था, गरीबों को बैठने नहीं दिया जाता था, गरीबों के सम्मान पर ठेस पहुंचता था, गरीबों को आज़ादी दिलाने का भी काम माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किए हैं। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र के चौहान पब्लिक स्कूल के सामने एक महिला की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है
कि मृतका बीबी लाडो रानी अपने रिश्तेदार मिल्की गांव से अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर पंखा टोली बारात जा रही थी। इसी दौरान चौहान पब्लिक स्कूल के सामने ब्रेकर आने पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे दोनों गिर पड़े। उसी समय जगदीशपुर की ओर से आ रहे भारी वाहन की चपेट में आने से बीबी लाडो रानी की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा मोहम्मद युबरान बाल बाल बच गया। वहीं घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही बाईपास थाना अध्यक्ष सूरज कुमार वैभव और जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर जाम तोड़वाया। बाईपास थाना अध्यक्ष सूरज कुमार वैभव ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की पहचान बरारी थाना क्षेत्र निवासी बीबी लाडो रानी के रूप में हुई है। मम्मी का क्या नाम था? बीबी लाडो रानी। और आपका क्या नाम है? मोहम्मद युबरान। कहाँ से आ रहे थे? मिल्की बस्ती जा रहे थे, पंखा दुल्ली जा रहे थे बराती में। अच्छा, घर कहाँ है आपका? मेरा घर बरारी है। बरारी? हाँ। तो कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या चीज़? एक्सीडेंट बड़ी ने ट्रक बाइक पे चढ़ा दिया, सर पे चढ़ा दिया, फिर वही भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री सह श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह का स्वागत जिला एवं प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय विधायक, नगर सभापति और जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष ने अंगवस्त्र देकर किया। इस दौरान मंत्री संतोष कुमार सिंह ने अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती की पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इसके बाद उन्होंने गंगा घाट का निरीक्षण किया और श्रावणी मेला में आने वाले कांवरियों को बेहतर सुविधा के लिए सभी विभागीय पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। वहीं विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू और जदयू अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष महेश दास ने श्रावणी मेला में कांवरियों की सुविधा के लिए अपनी मांगे रखी, जबकि नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने मंत्री संतोष सिंह को एक मांग पत्र भी सौंपा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री संतोष सिंह ने बताया कि कांवरियों की बेहतर सुविधा के लिए सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और श्रावणी मेला से पहले सभी तैयारियां भी पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि बाईपास रोड से कांवरियों को गंगा घाट तक सुरक्षित सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं अजगैबीनाथ धाम के समर्थन में उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संसद भवन में उठाया जाएगा और श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए भारत सरकार को पत्र भेजा जाएगा। इस मौके पर SDO धनंजय कुमार, DSP चंद्रभूषण कुमार, थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन, बात थाना प्रभारी कन्हैया झा सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रयास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहे इस उद्घाटन में। मेला को लेकर किस निरीक्षण किया गया? एकदम बिल्कुल, मेला के लिए पीछे से क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है, और हमारे जो शिव भक्त आते हैं, हमारे जो कांवरिया आते हैं पूरे देश से, कई विदेशों से भी जो देश के लोग रहते हैं विदेश में, वो भी श्रावणी मेला में यहाँ जलाभिषेक के लिए आते हैं। तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, बेहतर से बेहतर क्या व्यवस्था होगा। सभी प्रशासन के लोग भी आए हैं, हमारे सभी जिला अध्यक्ष जी भी हैं, माननीय विधायक जी हैं, SDO DSP सब कुछ है यहाँ। हम लोग एक बार निरीक्षण करके और क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए हम लोग उपाय करते हैं। अभी तक कितनी तैयारी हो चुकी है? अब तैयारी तो सब देख रहे हैं, रोड सब ठीक ही है बाकी, और क्राउड देखते हुए लाखों लोग शायद आते हैं वीक में 3 दिन, शनिचर इतवार और सोमवार के दिन। तो उस दिन हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ अलग से व्यवस्था किया जाए, अलग कोई रूट चार्ट किया जाए, गाड़ी उड़ी खड़ा करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, एक चलंत मेडिकल टीम रहे परमानेंट यहाँ से लेकर वहाँ तक, और जो भी बेहतर व्यवस्था हो सके, बीच बीच में स्टे करने का व्यवस्था। चार जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले संपूर्णता अभियान का शुभारंभ धूमधाम से किया गया।
इस दौरान जगदीशपुर प्रखंड प्रमुख गुड़िया देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन फीता काटकर और जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल इस अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और वित्तीय समावेशन सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में 100% संतृप्ति प्राप्त करना है। मौके पर काफी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे।